नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस पर। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके किस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो मैं आप सभी को बता दूँ, आज की वीडियो में मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ CDP के। CDP का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, ठीक है। इससे आप रूबरू पहले ही हो चुके होंगे। अगर आप टेट या सीटेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि CDP उन एग्ज़ाम्स में कितना रोल रखती है या फिर क्या रोल रखती है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के आज हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, सीटेट में भी पूछे गए हैं और UPTET में भी पूछे गए हैं। मैंने सीटेट के एग्ज़ाम ईयर मेंशन कर दिए हैं लेकिन UPTET के मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन आपके एज इट इज़ ये क्वेश्चन UPTET में पूछे गए हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही मन लगा के समझिएगा, आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर आप परीक्षा प्लस संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप एक बार ऑफिस में कॉल करके पूछ लीजिएगा। बहुत ही कम फीस में आपको क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। सबसे सीधा हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे बिना अपने टाइम को गंवाएं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य का जो विकास है वो कहाँ से कहाँ तक मतलब मनुष्य का जो विकास है वो किस प्रकार का होता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में आप सभी देख पा रहे होंगे, पहला है गुणात्मक, बी है गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, या फिर सी है मात्रात्मक, या फिर कुछ सीमा तक अमापनीय। अब आप सभी अगर सीटेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपकी बेसिक समझ क्लियर हो चुकी होगी इस सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव का विकास कैसा होता है। आपके दो तरीके के परिवर्तन होते हैं, एक गुणात्मक परिवर्तन होता है और एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। मात्रात्मक परिवर्तन क्या होता है, जिससे आप मापा जा सके या फिर जो मापनीय होता है, ठीक है। गुणात्मक होता है जो मापा नहीं जा सकता है, ठीक है, उसे हम गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन बात कर लेते हैं अगर मनुष्य के डेवलपमेंट की या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है हमारा वो हमारा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या होता है, देखिए डेवलपमेंट में हमारी किस तरीके के डेवलपमेंट आते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट आता है, मेंटल डेवलपमेंट आता है, इमोशनल डेवलपमेंट आता है, इस तरीके से आपके डेवलपमेंट आते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट जो हमारा होता है वो एक टाइम पर जाके रुक जाता है, बाकी डेवलपमेंट हमारे थ्रू आउट दी लाइफ चलते रहते हैं, ठीक है। मतलब जब हम माँ के गर्भ में होते हैं और जब तक हम कब्र तक नहीं पहुँच जाते तब तक हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है। इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ क्लियर होती है कि हमारा जो विकास होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। क्लियर हो गई होगी आपको इतनी सी बात। तो फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा बी, क्लियर है आप सभी को। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब परवर्ती बाल्यावस्था क्या होता है ये आप सभी को शायद नहीं पता होगा, तो मैं आप सभी को बता दूं, परवर्ती बाल्यावस्था को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। अब इतनी बात जानने के बाद अब आप सभी इसका आंसर तुरंत बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सीटेट में आपका 2015 में पूछा गया है, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकते हैं, कहीं आपसे पूछ देगा उत्तर बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत कौन मतलब किस ईयर में बच्चे आते हैं। तो आप सभी ध्यान से समझिएगा इन क्वेश्चंस को, 11 से 18 वर्ष या 18 से 24 या जन्म से 6 या फिर 6 से 11 वर्ष। तो गाइस आप सभी को इतनी बात पता होगी कि जो हमारी परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी है या फिर उत्तर बाल्यावस्था श्रेणी होती है वो हमारी 6 से 11 वर्ष तक होती है। क्लियर है आप सभी को इतनी बात। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। यानी कि आप हम मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि मैं हूँ या और आप हैं, तो हम दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हो सकता है कि मेरी पसंद की चीज़ें कुछ और हों और आपकी पसंद की चीज़ें कुछ और हों, या फिर मेरा मेंटल डेवलपमेंट कुछ और होगा और आपका मेंटल डेवलपमेंट कुछ और होगा। तो इन्होंने यही पूछा है कि यह सिद्धांत किस चीज़ से संबंधित है। इसमें पहला ऑप्शन है आपका वैयक्तिक भिन्नता से, या फिर बुद्धि के सिद्धांत से, या फिर वंशानुक्रम से, या फिर पर्यावरण से। तो इतनी बात आपको पता होगी कि हर इंसान जो है वो एक दूसरे से अलग होता है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता सभी में पाई जाती है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने भाई से बहुत इंटेलिजेंट हो पढ़ने में, या फिर आपका भाई है जो आपसे किसी और चीज़ में काफ़ी अच्छा हो,
मान लेते हैं कि एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, मैं हूँ और मेरी बहन है, ठीक है। मेरी बहन किचन के कामों में बहुत इंटरेस्टेड रहती है, लेकिन मुझे किचन के काम पसंद नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। इसलिए यह सिद्धांत जो है हमारा वो व्यक्तिगत भिन्नता से ही संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर 3 का ए सही हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को इतनी बात। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कोई भी नाराज हो सकता है, ठीक है, कोई नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है भाई, किस चीज़ से संबंधित है या फिर किस प्रकार के विकास से ये संबंधित है? संवेगात्मक विकास या सामाजिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास या फिर शारीरिक विकास, ठीक है। तो आपको ये बात बतानी है, देखो ये चीज़ तो आप सभी को पता है कि सभी लोगों में संवेग पाए जाते हैं। संवेग क्या होते हैं हमारे, हमें गुस्सा आता है, हमें रोना आता है, हम खुश होते हैं, या फिर इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं हमारे इमोशंस पे डिपेंड करती हैं, यानी कि संवेग पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। संवेगात्मक रूप से हम लोग कितने विकसित हो चुके हैं, ये चीज़ें हर पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है? देखो कई बार होता है कि हम लोग बेवजह की बातों पे नाराज हो जाते हैं, लेकिन जो संवेगात्मक विकास अगर हमारा अच्छा होगा, इमोशनली हम लोग डेवलप अच्छे होंगे, तो हो सकता है कि हम लोग एक सही जगह पर सही मायने के लिए या फिर सही उद्देश्य पे ही नाराज होंगे, ठीक है। तो ये जो बात है इन्होंने जो भी बताया है, ये संबंधित होगा आपका किससे? संवेगात्मक विकास से, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट से। तो 4th का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे, और अगर नहीं भी क्लियर हो रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, टीम परीक्षा प्लस आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व जरूर करेगी, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात कर लें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी इसका आंसर तुरंत दे देंगे कि सेस्वा काल की अवधि क्या है। आपका सी टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं PYQs उठा के, ठीक है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है जन्म से 1 वर्ष, या जन्म से 2 वर्ष, या जन्म से 3 वर्ष, या फिर 2 से 3 वर्ष। तो इसका क्लियर सीधा सा जवाब है कि आपका जन्म से 2 वर्ष तक शैशवावस्था की अवधि चलती है, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि विकास जो है हमारा वो कैसे चलता है, ठीक है, कैसे मतलब किस प्रकार से बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर जटिल से कठिन की ओर, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर साधारण से आसान की ओर। तो गाइज आप सभी को ये डेवलपमेंट के चैप्टर में रूल्स पढ़ाए जाएंगे कि विकास हमारा किस तरीके से आगे बढ़ता है। तो ये जो विकास जो होता है हमारा वो हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल यानी कि सामान्य तरीके से पहले आपका विकास होगा, फिर आपका विकास स्पेसिफिक तरीके से होगा, विशिष्ट तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल हम 2 एग्जांपल की बात करेंगे यहाँ पे। एक एग्जांपल है, मान लीजिए जब कोई बच्चा छोटा होता है तो क्या करता है वो अपने पापा को तो पापा बोलता ही है, लेकिन किसी भी इंसान को जो भी उसके पापा की एज के देखते हैं वो सबको पापा कह के बुलाता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसमें समझ आती है, तो वो अपने पापा को ही पापा कहकर बुलाने लगता है, बाकी लोगों को वो समझ जाता है कि ये उसके पापा नहीं है, ठीक है। तो पहले जनरली वो सभी को पापा मानता है, लेकिन फिर स्पेसिफिक तरीके से बाद में उसे समझ आती है कि नहीं, हमारे पापा एक ही हैं जो कि ये हैं। क्लियर है आप सभी को इतनी बात? आई होप क्लियर होगी। बात कर लेते हैं अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर एग्जाम्पल नेक्स्ट हम लेते हैं तो उसमें आई होप आपको इससे समझ में आ जाएगा। कोई भी छोटा बच्चा आपने देखा होगा, अगर वो कोई भी अगर मान लो सामान उठाने का अगर प्रयास करता है तो क्या करता है, पहले पूरा हाथों का यूज़ करता है, ठीक है। उसे नहीं पता होता है कि उसकी उंगलियां भी वो काम कर सकती हैं, उसकी हथेलियां वो काम कर सकती हैं, या आप यूँ कह लो कि उनमें उतनी जान नहीं होती कि वो काम कर लें। क्लियर है? लेकिन जब एक आपका डेवलप हो जाता है, जब एक आपका बच्चा डेवलप हो जाता है तो वो क्या करता है, जब कोई भी चीज़ पहले आप अगर मान लो पेन ही उसे पकड़ने को देंगे तो पहले वो पूरे हाथों का प्रयोग करता है, लेकिन जब वो डेवलप हो जाता है तो वो क्या करता है, फिर उंगलियों से उसी चीज़ को उठाने लगता है। इसलिए आपका ये जो विकास है वो आपका कैसे जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, ठीक है। क्लियर है आप सभी को इतनी बात? तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में है आपका, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है, ठीक है।
भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय कौन सा है? सीटेट के आपके प्राइमरी लेवल पे 2016 के सितंबर वाले पेपर में ये पूछा गया था। जन्म से पूर्व का समय, या फिर मध्य बचपन का समय, या फिर बाल्यावस्था, या फिर प्रारंभिक बचपन का समय। तो गाइस, ये सीधा सा पॉइंट आप लोग याद रखिए कि जो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा आपका होता है पूर्व बाल्यावस्था में, जिसे आप क्या कहेंगे, प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक है, शैशवावस्था के बाद की जो अवधि होती है पूर्व बाल्यावस्था, उसमें सबसे ज़्यादा विकास होता है बालक का। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो अवधि होती है आपकी, वो आपकी यही मानी गई है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था क्लियर है आप सभी को। तो आपका 7th का ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, घबराना मत देख के, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, वो इंग्लिश और हिंदी में लिख दिया है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। बात कर लेते हैं कि विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कौन करता है। ठीक है, यानी कि आपके कौन से इम्पॉर्टेंट विकास, यानी कि डेवलपमेंट के आयाम होते हैं जो आपके होते हैं। ठीक है, पहला है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, या फिर स्पिरिचुअल, या फिर सेल्फ। तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल सेल्फ, ये तो कुछ पढ़ा नहीं होगा, ये तो कोई डेवलपमेंट के टाइप्स आते ही नहीं है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये भी आपका कोई विकास के प्रकार नहीं आपके, आपने पढ़े होंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सोशल डेवलपमेंट है, फिजिकल है, पर्सनैलिटी है, सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ हम पहले ही गलत कर चुके हैं इसलिए आपका ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। अब आपको याद कैसे करना है, आपको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेना है PCSE। ठीक है, पी से आपका हो जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट, सी से आपका हो जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एस से आपका हो जाएगा सोशल डेवलपमेंट, और ई से आपका हो जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट। यानी कि आपके विकास के जो चार व्यापक आयाम हैं वो कौन कौन से हैं, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। क्लियर है आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। फाइन, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। यानी कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग होता है तो उसका जो प्राइमरी रीज़न है वो आपका क्या हो सकता है। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है और इंडायरेक्टली आपका बाकी एग्जाम्स में भी पूछा गया है, लाइक सीटेट और यूपीटेट। ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव या फिर अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारिस्थितिक क्रिया, या फिर लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संवेग, या फिर जन्मजात विशेषताएं। तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, कोई भी अगर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, यानी कि वैयक्तिक भिन्नता पाई जा रही है, तो उसमें ना तो सिर्फ पर्यावरण की बात करेंगे, ना सिर्फ आप आनुवंशिकता की बात करेंगे, बल्कि जो पर्यावरण और आनुवंशिकता का दोनों का मिक्सचर होता है, ये डिपेंड करता है कि लोग एक दूसरे से कितने अलग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल आप सभी को देना चाहूँगी। मान लीजिए कोई भी आप दो जुड़वा बच्चे ले लीजिए। ठीक है, आप एक की परवरिश शहर में कीजिए और एक की परवरिश आप गांव में कीजिए। ठीक है, पर्यावरण आप दोनों का अलग कर देंगे, जुड़वा बच्चे होंगे तो आनुवंशिकता उनकी सेम होगी, लेकिन आप जब वो बड़े हो जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो आपका शहर वाला बच्चा है वो काफ़ी डेवलप हो चुका होगा, कई एस्पेक्ट्स में डेवलप हो चुका होगा, और गांव वाला बच्चा है जो थोड़ा कम डेवलप हुआ होगा, या फिर कम एस्पेक्ट्स उसको पता होंगे। ठीक है, तो बात यहाँ पे आ जाती है कि आपका आनुवंशिकता भी रोल रखता है और पर्यावरण भी एक महत्वपूर्ण रोल रखता है वैयक्तिक भिन्नता के लिए। क्लियर है आप सभी को। तो इस ऑप्शन से आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो 9th का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की आज के। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि निम्न अवधि में किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। ठीक है, तो शारीरिक वृद्धि और विकास मतलब आप कौन, बालक सबसे ज़्यादा ऐसे ग्रोथ किस एज में करता है। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, या फिर किशोरावस्था एवं वयस्कता, या फिर शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तो गाइस, आप सभी को पता होना चाहिए कि जन्म के बाद जो आपकी अवधि शुरू होती है सबसे पहली शैशवावस्था की, उसमें बालक का विकास सबसे तेज़ी से होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ उसकी होती है, बहुत स्पीड में ग्रोथ होती है। तो शैशवावस्था के बाद जो आपकी स्पीड होती है वो थोड़ी सी कम ज़रूर हो जाती है, लेकिन प्रारंभिक बाल्यावस्था में भी आपकी स्पीड बहुत इंक्रीज़ रहती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो गया। आज हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं और 10 क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही
सिंपल मैनर में सीखने की कोशिश की है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और बाकी अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेरी नज़र आती है, कोई भी परेशानी नज़र आती है, तो घबराने से पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टीम परीक्षा प्लस आपकी एक एक क्वेरी को सॉल्व ज़रूर करने का प्रयास करेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ और छोटी सी चीज़ की। परीक्षा प्लस भी आपका बैच चल रहा है सुपर टेट का, यूपी टेट का, ठीक है। सुपर टेट का भी बैच चल रहा है, यूपी टेट का भी चल रहा है, सी टेट का भी चल रहा है, ठीक है। एलटी ग्रेड के लिए भी चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग किसी भी बैच में इंटरेस्टेड हैं, बहुत ही मिनिमम फीस इन लोगों ने रखी हुई है, ठीक है। सुपर टेट के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ 899 में इस टाइम एडमिशन हो रहा है, यूपी टेट में आपका 499 में एडमिशन हो रहा है, और आपका सी टेट में 499 में एडमिशन हो रहा है, ठीक है। आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, नोट्स बहुत ही अच्छे कंटेंट राइटर के द्वारा आपको मिलेंगे, ठीक है। एक बार आप जरूर डेमो लीजिएगा, ऑफिस में कॉल करके आप एक बार इनसे सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर बैच खरीदेगा, आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ या फिर नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।